हाँ जी, बच्चा पार्टी। तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग। जैसे क्लास में अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन जरूर पूछते रहते हैं कि ये फिजिक्स में नंबर नहीं आते, या जब हम सीट सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते। तो बार बार वो चीजें पूछना या बार बार बताना, उसमें थोड़ा सा क्लास का टाइम भी जाता है और इससे कई बच्चों को भी फायदा हो सकता है। तो इस बार मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे जैसे बोर्ड पे देख रहे हो, अपना जो गोल होगा कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स, फिजिक्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसमें नंबर कैसे ज्यादा लाए जाए, उस पर फोकस हो गया। तो मैंने इसको क्या किया है कि थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसके मैं तीन सेपरेट वीडियोस आप लोगों के बना देता हूँ। जैसे नंबर वन है हाउ टू स्टडी फिजिक्स। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात होगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट होगा हाउ टू सॉल्व एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। यानी जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, और ये मेरा अपना मानना है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं हर चैप्टर में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, कि क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। और फिजिक्स को अगर अच्छा करना है तो हम लोग सारे ऑल टाइप, यानी वी कैन नॉट सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हम लोग नहीं कर सकते। बट फिजिक्स में बहुत अच्छी चीज है कि वी कैन लर्न ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ सकते हैं पर सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। पर उन क्वेश्चंस को करने में मेरा जो पर्सनल व्यू है, या जो अच्छे बच्चों या मीडियम बच्चों को इम्प्रूव कराते कराते या टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट करने में, मैंने एक चीज देखी है कि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, प्रोसेसिंग सबका एक ही जैसा होता है। तो उसमें जब मैं ये पार्ट बनाऊंगा तो बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सबसे लास्ट में आएगा कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना पार्ट होगा हाउ टू स्टडी फिजिक्स। तो इसमें मेरा अपना पर्टिकुलर ये मानना है कि फिजिक्स को जब तक आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे तब तक वो समझ नहीं आएगी। जैसे ओवरऑल सब्जेक्ट्स का अपना अपना एक तरीका होता है। अब मैथ्स का मैं मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर जहां तक मैंने जितनी मैथ पढ़ी है उसमें ये होता है कि प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। केमिस्ट्री में मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छा हो, और फिजिक्स में इमेजिनेशन या फील करना जिसको बोलते हैं कि किस तक क्या प्रोसेस हमारे इसमें हो रहा है, अगर हम वो फील कर लें तो हमें आसानी होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि फिजिक्स को हम विजुलाइज या क्वेश्चंस को विजुलाइज करते कैसे, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है कैसे। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, बेसिकली जो हम लोग एक नाम ये फिजिक्स का सुनते हैं ना, जैसे हम लोग का ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो इसमें बोलते हैं कि ये फिजिक्स, ठीक, एक सिंपल सी बात है। यहाँ पे सबसे पहले, यानी अगर आप बात करो तो 350 BC, इसका मतलब समझ गए होंगे, सेंचुरी जो हम लोग पढ़ते हैं ना 2001 या 90, उससे 350 ईयर्स पहले साइंटिस्ट जिनका नाम हम लोगों ने सुना हुआ है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था जिसको हम लोग बोलते थे थ्यूजिस। थ्यूजिस का मीनिंग होता था नेचुरल थिंग्स को स्टडी कर, नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग्स का मतलब है जो जनरल हमारी लाइफ में होता रहता है, उन चीजों को पढ़ना, उन चीजों को साइंटिफिक तरीके से समझना, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का फ्यूजिस वर्ड था जिसको हम लोग नेचुरल थिंग्स में डालते हैं। यहाँ से अरिस्टोटल ने इस नेम के बेसिस पर सबसे पहले एक वर्ड हमें दिया जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलोगे सर ये बात क्यों बताई, इसलिए बताइए कि जो फिजिक्स का स्टार्टिंग में जो मैंने जैसे ही पहले बोला है कि सबसे पहले हमें विजुलाइजेशन पे ध्यान देना है कि हम इसको विजुलाइज करते कैसे। तो ये जो फिजिक्स का नाम बना इससे आपको साफ लग रहा है नेचुरल थिंग्स यानी स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर के बारे में पढ़ना है तो वहां पर एक चीज और समझनी है कि जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, या जितने बच्चे आप लोग क्लास में अपने अपने घर में जिसकी जिस तरीके से भी पूजा होती है सारे बच्चे मानते हैं और मानना भी चाहिए। अब लेकिन जब साइंस की बात आती है तो जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट पर्सनली गॉड को मानते हैं, मानते होंगे, लेकिन जब वो किसी साइंटिफिक चीज की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले वो गॉड को ही एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा क्यों? अब उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर इस कंडक्टर में चार्ज कैसे स्टोर हुआ, तो अगर मैं उस तरीके से जाऊं तो मैं बोलूंगा गॉड नोस, यानी ऊपर वाला जाने।
अब आप कोई भी डाउट लेकर आओ कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो हम लोग बोल देंगे कि ऊपर वाला जाने। तो इससे बहुत साइंस की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ स्टडी, यानी जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो उस समय गॉड को एब्सेंट मान के चलते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइजेशन आए, ये जो गैलीलियो का नाम हम लोग जानते हैं या न्यूटन का नाम हमने सुना हुआ है, इनर्शिया को देखिए, ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है। मेरा फ्री वीडियोस में टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए और क्वेश्चन को जो बार बार सर लोग बोलते हैं कि इसको फील करो, उसको इमेजिन करो, फिजिक्स आसान होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें फील करने का तरीका बताऊं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी मूविंग ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और अगर वो रुकी नहीं है, यानी ट्रेन का मोशन है, और हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग इस ईयर से भी पीछे चले गए जब ये फिजिक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो आप सोचो कि कोई भी आपका फ्रेंड चलती हुई ट्रेन से या चलती हुई किसी भी बैलगाड़ी से, उस समय बैलगाड़ी चलाओ करती होगी या लोग रनिंग करते होंगे, अगर इस टाइम पर हम लोग ये माने कि फिजिक्स का हमें कोई आइडिया नहीं है और स्टेशन से कोई भी पर्सन जब प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है तो वो आगे लुढ़कता हुआ चला जाएगा। आप उससे जाके पूछो व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, आप क्यों गिरे, अब आंसर कैसे दोगे। तो आंसर के लिए हमें एक, अब देखना, एक आंसर तो ये भी हो सकता है कि कोई है वो बोलेगा पता नहीं किसी ने धक्का मारा, पर एक स्पेसिफिक आंसर है कि एनी फैक्टर इज देयर, यहाँ पर कोई है जिसने मुझे पटका, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई नहीं गिरेगा। इस पर साइंटिफिक तरीके से जब डेवलपमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं जाके इनर्शिया का डेवलपमेंट हुआ, ये फिजिकल प्रोसेसिंग थी। आप कभी भी देखो कि झूले जैसे ऊपर ऐसे चलते हैं, अब बोलो कि जो झूला नीचे आ रहा है अगर उसका इंटरलॉक खुल जाए तो जो उस पर एंजॉय कर रहे थे झूले के वो किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाके गिरेंगे। अब उनसे आप पूछो कि भाई किस ऑटो से, किस प्लेन से आप यहाँ से यहाँ तक आए, तो उनका आंसर भी होगा कि कोई है। अब कोई है का सिंस के लोग कहीं भूत से कहीं गोस से जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब जहां पर एक कॉमन मैन, एक सिविलियन जो नॉन साइंस का स्टूडेंट है, वो जहां पर अक्सर ये बोलता है कि कोई है जो ऐसा करा रहा है जिसको ज्यादातर लोग भूत या किसी और से जोड़ने लग जाते हैं, वहीं पर फिजिक्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप देखो कि जब हम किसी गाँव में या किसी कस्बे से होके गुजरते हैं जहाँ पे जो मेट्रो सिटीज यानी दिल्ली मुंबई चेन्नई से टाइप का नहीं, कस्बा भी नहीं, गाँव साइड में जाते हैं, तो वहां देखा होगा कि ऐसा कोई डायवर्जन आप देखोगे कभी, ये रोड पर ऐसे निकलते हो, तो जब जहां से ये ट्रैफिक जा रहा होता है अगर ये ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट साइड में, ऑलवेज राइट साइड में कोई ना कोई रेस्पेक्टिव प्लेस होता है, जैसे कोई मंदिर बन जाएगा या जो भी लोग वहां रहते हैं अपना बना लेते हैं। अब जरा सोचो ऐसा क्यों करते हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं कि तुम उस गाँव में जाके ये समझाने लगो कि ये हटाओ ये क्यों बना है, आस्था एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला है कि जब हम साइंस की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले गॉड को एब्सेंट मान लेते हैं पढ़ते टाइम, उसके बाद भी मानते हैं और उससे पहले भी मानते हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ऐसा क्यों बना होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई ट्रैफिक आता है तो मोस्टली जब एक्सीडेंट होते हैं तो कोई भी व्हीकल या बाइक हमेशा राइट साइड में ही जाके गिरती है। अब कोई भी ऐसी सिटी का पर्सन जो बहुत हाईली ट्रैफिक से निकला हुआ है, अगर वो यहाँ पर देखेगा कि रोड पर कोई भी नहीं है तो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाने से वो राइट साइड में स्लिप होके जाके गिरता है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि इस जगह पर कोई ना कोई है, यानी कोई अननोन पावर है जो एक्सीडेंट कराता है। थोड़े दिन वो वहां पे स्लो होके निकलते हैं, लेकिन अचानक अगर कोई बहुत हाई स्पीड में वहां से निकलेगा तो ये एक्सीडेंट होगा ही होगा, और वो भी जो भी व्हीकल वहां पर होगा, जो भी जिससे भी बाइक ट्रक जो भी होगा वो राइट साइड में गिरेगा। तो लोगों का जो एक ट्रस्ट है कि यहाँ पर कोई है वो थोड़ा बिल्डअप होने लग जाता है, और वैसे भी साइंस कहती है कि कोई भी चीज अगर एक ही पैटर्न पर बार बार हो तो कहीं ना कहीं वो थ्योरी बन जाती है। उनके दिमाग में थ्योरी आ गई कि यहाँ पर कोई है जो एक्सीडेंट कराता है। अब सपोज करो कि कोई एक ऐसी बस हो जिसके राइट साइड के दरवाजे और शीशे थोड़े कमजोर हो और ड्राइवर वहां जाके बहुत तेजी से बस को मोड़ दे, तो हो सकता है कि पैसेंजर ही बाहर गिरे, तो लोग तो यही बोलेंगे कि लगता है जो भी है वो बहुत नाराज है, उसने इस बार तो पैसेंजर्स को अंदर से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो उनका ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता
तो हमारी हेल्प कौन करने वाला है? तो आंसर है कि गॉड करने वाला है, तो ये बन जाता है। लेकिन साइंस में हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और इसको स्लिपिंग और स्लाइडिंग से बचाने के लिए फ्रिक्शन लगता है। ये कहाँ से आया? ये किसी ने सोचा होगा ना कि बार बार ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो उन्हें पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लोग अंदर की तरफ पढ़ते हैं, और इस फ्रेम को फिजिक्स में आगे डेवलप किया न्यूटन ने, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक सीडो फोर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसने बताया कि राइट साइड में एक सीडो फोर्स भी लगेगा, क्योंकि सीडो का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल का एक्सेलरेशन हो उसके जस्ट अपोजिट सीडो फोर्स लगता है, तो ये सीडो फोर्स इसको गिराता है। और आगे जाके हम लोग इसको पढ़ते भी हैं कि टेन थीटा इक्वल थ्री स्क्वायर बाई आर जी, डेवलप हुई। तो यहाँ पर बताने का पर्पज ये था कि नेचुरल फिनोमिना के साथ जब हम जाते हैं तो हम फिजिक्स को पकड़ पाते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया, अब एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लेते हैं। जैसे हम लोग के टॉपिक्स में अभी जो मेरा पर्पज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। जैसे अभी हम लोगों ने बात की ये भूत और ये टेंपल जो भी हम लोग बनाते हैं उसमें रीजन क्या है, इसी तरह से जैसे देखो तो एक बड़ा फेमस टॉपिक है जो हर जगह हम लोगों के साथ आता है, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये अगर किसी एक से पूछो, जैसे मैं अपनी क्लास में जनरली ये पूछ लेता हूँ बच्चों से कि सपोज करो कि आपके पास एक क्लास है और उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं, फिर आप समझ पाओगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एज 60+ है, किसी भी पढ़ने की कोई एज नहीं होती। मान लो उनके दिमाग में आया कि मैं तो जाके पढ़ाई करूंगा, तो 60+ एज के ये यहाँ पर आके बैठ गए, और इनके साथ एक कंडीशन भी है कि ये कंप्लीट इलिटरेट, यानी मैं कह सकता हूँ 100% अनपढ़, यानी इनको सिग्नेचर करने नहीं आते, ये थंब इम्प्रेशन यूज करते हैं, ऐसी ये क्लासरूम बन गई। अब मैं आप में से किसी को बोलता हूँ वीडियो पॉज करके सोचता हूँ कि इस क्लास में आपको जाना है, आपके पास मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम है, और इन लोगों को पोटेंशियल एनर्जी समझना, ये क्लास में बैठे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बताने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कोई टर्म यूज नहीं कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोगों को समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनका एज 60+ है, यानी इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ब्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है इस एज पे, इसलिए गवर्नमेंट रिटायरमेंट लेके आती है। दूसरा, आप मास पोजिशन एनजीएच इस टाइप की बातें करोगे ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनको ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके सोच के देखो कि आप कैसे पढ़ाओगे इनको पोटेंशियल एनर्जी, वो आपका टास्क है। इतनी देर में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टीचिंग इतना आसान काम नहीं। अब अगर आपको ये टास्क मिले तो सोचो जरा क्या करोगे। क्लास में जाओगे और सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगी कि यार मुझे ये तो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, एमजीएच होती है, रेफरेंस फ्रेम लेते हैं और नीचे जाते हैं तो माइनस साइन कर देते हैं, बट प्रॉब्लम ये कि मैं इनको कैसे समझूं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी चीज को समझा हुआ है तो दूसरे को समझा पाओ, अगर रटा हुआ है यानी बुकेस लैंग्वेज है तो वही बातें बार बार बोलते रहोगे जो हम पढ़ के आए हैं। अगर आपने कोई टॉपिक समझा है तो इनको समझा दो, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इनको समझा नहीं पाओगे, फिर वो तुम्हारा रटा होगा। अब देखो सिचुएशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी उस पर्सन को समझानी है जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, तो यहाँ से मेरा कोशिश फिर वही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो अरिस्टोटल ने बोला है कि नेचर की स्टडी को साइंटिफिक तरीके से करें तो वो फिजिक्स बन जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस सब्जेक्ट को ट्राई टू कनेक्ट विद द नेचर। अब देखो मैं अगर इस चीज को समझाऊं तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। एक हमारे पास जैसे मान लो हम लोगों को ये देखना है, तो मैं इस क्लास में जाके सबसे पहले इनको ये बोलूंगा कि आप ये बताओ फ्रस्ट्रेशन क्या है। अब बच्चे इसमें हंसेंगे, बोलेंगे सर ये जो पढ़े लिखे नहीं है तो ये इंग्लिश का फ्रस्ट्रेशन कैसे समझेंगे। मान लो ये यूके के अनपढ़ लोग, इंग्लिश तो आती होगी, अगर नहीं तो उन्हें हिंदी में पता है चिड़चिड़ापन। किसी भी पर्सन के अंदर, अब बच्चों को लगेगा ये साइंस है या सोशोलॉजी की क्लास है, बिल्कुल नहीं ये साइंस की ही है। अभी देखो
भाई अनपढ़ लोग हैं तो उसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो इनको मैं बोलूंगा कि आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, वो कब आता है, तो ये हमें तुरंत बता देंगे कि जब मेरे साथ कभी भी अनवांटेड थिंग्स होते हैं, यानी जो मैं नहीं चाहता हूं वो जब होने लगता है, लोग परेशान करते हैं, कौन पड़ोसी लोग या साथ के लोग कोई भी, तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि हर इंसान या कोई भी एनिमल, कोई भी इंसान, हम में से कोई भी हो, क्या चाहता है? तो बड़े आसानी से कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी ये बोल देगा कि हम लोग चाहते हैं रिलैक्स, यानी पूरी तरह शांत, हमें रिलैक्स में रहना है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि अब ये व्हेन इट विल कम, ये रिलैक्स आपकी लाइफ में कैसे आ सकता है? उसका आंसर सीधा ये बोलेंगे, या मैं इनको बोलूंगा कि देखिए आपके अंदर जो नेट अनवांटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनवांटेड थिंग्स हैं, इनका इफेक्ट अगर जीरो हो जाए तो आप रिलैक्स में रह सकते हो। लोग तो परेशान करेंगे, लोग तो लाइफ पुलिंग करेंगे, आपको निगेटिव बोलेंगे, पर उन सारी चीजों को अगर आप अपने उससे नेट जीरो कर लो, उनका असर ना होने दो, या मैं ये कहूँ कि कुछ लोग अगर परेशान करेंगे तो कुछ सपोर्ट भी तो करेंगे, हम उन पे ज्यादा ध्यान दें जो सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू अपोज वाले से, ये नेट जीरो हो जाएगा। अगर नेट जीरो हो जाएगा तो हमारे पास फ्रस्ट्रेशन लाने का कोई रीजन ही नहीं बचेगा, तो हम रिलैक्स में रहेंगे। तो अब यहां से अगर मैं इनसे एक सिंपल लाइन में पूछूं कि आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इनको समझाऊं टू मेंटेन रिलैक्स, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, देखना भी। ये मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जो कभी स्कूल नहीं गए, क्योंकि सबको समझ में आ जाए तभी तो टीचर समझ आएगी ना। टू मेंटेन रिलैक्स, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो ये बोलेंगे जब, या मैं इनको बोलूंगा कि देखिए अगर आपको रिलैक्स में रहना है तो आपका जो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है मस्ट बी मिनिमम होना चाहिए। ये एक सिंपल सी अनपढ़ लोगों के लिए, किसी के लिए भी एक सिंपल क्लास हो गई। तो मैंने इनको क्या समझाया, वो चीज समझाई जो ये जानते हैं। तो बच्चों को पढ़ने का मतलब है वहां से शुरू करो, वहां से अपनी लर्निंग स्टार्ट करो जो चीजें तुम्हें आती है। जैसे टू मेंटेन रिलैक्स, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो आंसर है फ्रस्ट्रेशन लेवल मस्ट बी मिनिमम। फिर ये बोलेंगे कि आपने मुझे इतनी देर पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी को बताई नहीं, वो तो हम तो वो पढ़ने आए थे। तो मैं इनको बोलूंगा कि जिसको आप फ्रस्ट्रेशन समझते हो, मैं आपको उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी रख देता हूँ, कहने का मतलब। और जो अनवांटेड थिंग्स बोलते हैं, साइंस उसको एक्सटर्नल फोर्सेस बोलती है। अब अगर आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे, वो एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन स्टोर होगा। तो मैं इनको समझाऊंगा कि अनवांटेड थिंग्स को हमारी फिजिक्स जो नेचर की स्टडी कराती है, उसका नाम उन्होंने रखा है एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो आपकी बॉडी है उसको बोल देते हैं सिस्टम। और उस सिस्टम पर वो फोर्सेस एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं जिनसे बॉडी का शेप या साइज या उसके मन का जो काम है उसके अगेंस्ट में कुछ होता है, तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन स्टोर होता है जिसको साइंस पोटेंशियल एनर्जी बोलती है। लेकिन वो सिस्टम रिलैक्स में रहना चाहता है, तो रिलैक्स को हमारी फिजिक्स एक नाम देती है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी अब मैं नेट अनवांटेड थिंग्स को अगर एक्सटर्नल फोर्स नाम दूं, तो मैं कह सकता हूं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनवांटेड थिंग्स देन आई मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम या मस्ट बी इन रिलैक्स। तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर हमारे ऊपर अनवांटेड फोर्स जो लगते हैं उनको अगर हम न्यूट्रल कर लें तो हम रिलैक्स में रह सकते हैं। और तो उसको फिजिक्स में कैसे डाला जाए, किसी भी सिस्टम पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं या कर दिए गए हैं, क्वेश्चन में क्या होता है, नेट फोर्स हम लोग जीरो निकालते हैं तो बोलते हैं एक राइट से लगा तो एक लेफ्ट से लगा, एक अप लगा एक डाउन लगा, दोनों का सम करते हैं, अगर वो जीरो आता है तो बार बार हमारे सर लोग बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां से उनके दिमाग में आने लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब मेरे अंदर भरा हुआ गुस्सा, और मैं रिलैक्स में रहना चाहता हूँ तो कंडीशन क्या है,
तो मैं उनको बोलूंगा कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया था टू मेंटेन रिलैक्स, अब जो टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई है उसको आप अलग से समझिए, रिलैक्स को आपको मेरे साथ क्लास में बोलना है इक्वली विरिया, और जो फ्रस्ट्रेशन है उसको आपको मेरे साथ क्लास में बोलना है पोटेंशियल एनर्जी, और मेरे साथ पढ़िए। तो मैं उनको पढ़ाऊंगा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, और ये बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी मस्ट मिनिमम, तो उनके दिमाग में आ जाएगा हाँ यार ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब अगर किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसके नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होने चाहिए, या मैं ये बोलूं टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, टू मेंटेन ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो आंसर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन यानी पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। अब ये लोग मेरे से पूछेंगे कि आप मिनिमम बातें क्यों कर रहे हो, आप जीरो क्यों नहीं बोल देते, तो और आसानी होगी। अगर किसी इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल जीरो है, मतलब कुछ भी करो वो रिएक्ट नहीं करता, तो जस्ट लाइक ए कोमा पेशेंट, तो हम उसकी बात तो नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज किया। अब देखिए इसको पढ़ने से फायदा एक और हुआ, क्या हुआ कि हम लोग के कोर्स, अब वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे कोर्स में है, उसमें आपने देखा होगा थ्री टाइप के इक्विलिब्रियम हमें पढ़ाए जाते हैं। एक में हमें बोला जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में बार बार आएगा, एक हम लोग पढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई भी अगर बहुत हाईली फ्रस्ट्रेटेड है तो वो घर से चला जाता है वापस ही नहीं आता, तो उसको अनस्टेबल ही बोलेंगे, और अगर कोई मिनिमम यानी बहुत लो फ्रस्ट्रेशन तो सभी के अंदर होता है, मैंने पहले भी बोला है कि मिनिमम तो होना चाहिए, मिनिमम भी नहीं होगा तो कोई किसी को कुछ भी बोले मारपीट कर दे गाली दे दे वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो जस्ट लाइक इट कोमा पेशेंट। कहने का मतलब है अगर किसी का फ्रस्ट्रेशन लेवल मिनिमम है तो वो स्टेबल है, और अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है तो अनस्टेबल है, और अगर जीरो हो गया है तो जहां रख दो वहीं रखा हुआ है, मतलब जो इंसान को जिस रूम में बिठा दो जो बॉडी जहां रख दो वहीं रखी है तो उसको तो न्यूट्रल ही बोला जाएगा। अब मैं इसको फिजिक्स में कैसे डालूं कि अगर आप ज्यादा गुस्से में हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, अगर आप बहुत मिनिमम हो तो स्टेबल में आएगा, अगर आप जीरो में हो यानी फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं तो आप न्यूट्रल में आओगे। कहने का मतलब किसी भी सिस्टम में अगर ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी हो गई है यानी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, तो फ्रस्ट्रेशन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम स्टोर हो रही है तो वो स्टेबल होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है तो वो न्यूट्रल होगा। बहुत आसानी से हम इसको पिक कर सकते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली फील करना हो तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है, अब ये देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैम, यानी स्प्रिंग पूरी तरह से रिलैक्स में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख देते हो तो ये स्प्रिंग देखिए कंप्रेस हो गई, क्या स्प्रिंग को ये पसंद आएगा? आप अपने को इसको रिलेट करिए कि आपके ऊपर 50 kg का वेट रख दिया तो आपको फील गुड होगा, उसी तरह इस स्प्रिंग के लिए ब्लॉक का आना और ब्लॉक पर अर्थ की वजह से एमजी फोर्स का लगना, और वो एमजी फोर्स स्प्रिंग को क्या लगाएगा, एक अनवांटेड एक्सटर्नल फोर्स, और ये सरफेस भी लगाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। या अगर जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है उसके बेस पे देखूं तो यहाँ पर इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो, और अगर इस मास को हटा दें तो हट जाएगी। ये स्प्रिंग का एक एग्जांपल है जो हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात को समझा देता है। किसी भी दरवाजे को जहां स्प्रिंग लगा है अगर आप उसको बंद करोगे तो उस स्प्रिंग को पसंद नहीं आएगा जो उस दरवाजे में है, आप दरवाजे को छोड़ते हैं वो पीछे से आपको तड़ाक से मारेगा, क्या था ये स्प्रिंग का गुस्सा था, ब्लॉक को दबा के छोड़ोगे वो फेंकेगा जब तक ये, क्योंकि स्प्रिंग क्या चाहती है, अपने आप को रिलैक्स में लाना, रिलैक्स आने की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, आपके अंदर गुस्सा भरा है तो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसको बाहर न निकाला जाए। ऐसे ही बच्चे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते रहते हैं कि इलास्टिसिटी, अब इसको इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि बॉडी को डिफॉर्म करो वापस आ जाती है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ इलास्टिसिटी क्या है, इम्यूनिटी ऑफ सॉलिड्स, बायो में नहीं बोलते किसी को जल्दी इंफेक्शन होता है लो इम्यूनिटी, देर से इंफेक्शन होता है हाई इम्यूनिटी, तो क्यों ना हम इलास्टिसिटी को फिजिक्स का इम्यूनिटी बोल दें। यानी मेरे कहने का मतलब अभी इस वीडियो में से ये था कि अगर हम फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ें
जब भी कोई आंसर करें तो दिमाग में ये जरूर लाएं कि जिसको मैं बताने जा रहा हूँ वो कंप्लीटली इलिटरेट है, कभी स्कूल नहीं गया। तो आपका ब्रेन बहुत डेप्थ लेवल पे जाके उस कॉन्सेप्ट को निकाल के बाहर लाएगा। तो अभी इस वीडियो में मेरा पार्ट सिर्फ इतना था कि फिजिक्स को विजुलाइज कैसे करते हैं और मैं आपको क्लास में कराऊंगा कैसे। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स। थैंक यू।